वेलकम टू माय एसपीटी ऑनलाइन स्टडी चैनल। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का फिजिक्स, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फिजिक्स का मॉक टेस्ट और वाई ग्रुप का आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट और इंग्लिश का टॉपिक वाइज स्टार्ट हो चुका है, जिसे आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपका सेव है। डेली 5 सिनोनिम्स ऑन वर्ड वर्ड भी होता है और आपका मॉक टेस्ट भी इंग्लिश का होता है और फिजिक्स का मॉक टेस्ट भी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4। ये फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि एल मीटर लंबाई का कोई चालक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करती है तो चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। देखिए, चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखिए, हम लोग ओमेगा को 2 पाई एन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ओमेगा को 2 पाई एन एल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 हम लोग काट देंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा, देखिए, बी 2 पाई एन एल स्क्वायर। उसके बाद फिर हम लोग बी पाई और एल स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, बी ए एन। यानी हम लोग जो फॉर्मूला है वो तीनों सही है। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, फिर ओमेगा को हम लोग तोड़ेंगे 2 पाई एन में। तो देखिए, सेकेंड बी नंबर जो है वो भी सही है आपका, बी 2 पाई एन एल स्क्वायर बाई 2, ये भी सही है। थर्ड भी है आपका बी ए एन, ये भी सही है। यहाँ पे पाई एल स्क्वायर को ए लिख देंगे, एरिया बी ए एन, ये भी सही है। और इनमें से सभी, यानी आपका आंसर डी विल बी राइट। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन में यहाँ पे चार चार आंसर दिया गया है। सो अब एक क्वेश्चन में चार चार आंसर आप देख सकते हैं। सो आंसर डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अनन्य प्रेरण में क्या होता है। अनन्य प्रेरण में पहले विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है, फिर चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या होता है, अनन्य प्रेरण में पहले विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है, फिर चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सो आपका आंसर ए विल बी राइट। आपका बी सी डी गलत है। पहले विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है और फिर चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, प्रेरण कुंडली में क्या होता है। निम्न डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी वोल्टेज में बदलता है, उच्च डीसी वोल्टेज को निम्न डीसी वोल्टेज में बदलता है। दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इन सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप याद करेंगे जिससे आप एग्जाम में आराम से आए तो आप आराम से टिक कर लें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो प्रेरण कुंडली जो है वो निम्न डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी वोल्टेज में बदलता है। तो आपका आंसर ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। विवर्तन प्राप्त करने के लिए अवरोध का आकार, विवर्तन प्राप्त करने के लिए अवरोध का आकार कैसा होना चाहिए। तरंग की कोटि, तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य से बहुत अधिक होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य से कोई संबंध नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आपका आंसर होगा, इसको आपको ये वाला क्वेश्चन को याद भी होगा कि तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। सो आपका आंसर ए विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर, आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे जो प्रकाश की जो तीव्रता है वो आयाम पर निर्भर करती है। सो आपका ए विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, अतः 1.25 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर दें कि आपको पता है कि म्यू बराबर यानी अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब हमको इसको निकालना है, फाइंड करना है। तो भी एयर हमको भी मीडियम में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग भी एयर हमको पता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और भी मीडियम हमको निकालना है, और म्यू का मान दिया है 1.25। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए हम एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं, इसका आपका आंसर आएगा 3, यहाँ पे जो पॉइंट हटाएंगे वहाँ पर 2 0 चला जाएगा, 10⁸ हो जाएगा, और यहाँ पे 1.25। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर होगा सी नंबर 2.4 × देखिए यहाँ पर इंटू का साइन छूट गया है, 2.4×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सो आपका सी विल बी राइट होगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से 5 से काटिएगा तो आपका 5×10 और 50 25, 5×5 95, फिर यहाँ से काटिएगा 5×6 30 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग जब 25 से इसको काटेंगे तो 25×2 50, फिर उसके बाद पॉइंट 100 बचेगा, तो 4 से इसको काटेंगे तो 2.4×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप इसको आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं, उतने बजे तो नहीं है कि आपको सब चीज़ बताया जाए, आराम से आप सोल्यूशन कर सकते हैं इसका। सो आपका सी विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या बड़ा है। प्रकाश के अस्थायी व्यक्तिकरण प्रारूप प्राप्त करने की शर्तें उपयुक्त होगी। दो स्रोत कला संबंध होनी चाहिए, स्रोत एकवर्णीय यानी मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, व्यक्तिकरण उत्पन्न कर रहे तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, या इनमें से सभी। देखिए, इन्हीं सब टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ऐसा आएगा कि आपको चारों ऑप्शन ठीक से पढ़ने हैं और चारों में से बताना है कौन सा सही है या इनमें से सभी सही है। देखिए आप एक क्वेश्चन में आपको चार के इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्रकाश से अस्थायी व्यक्तिकरण प्रारूप प्राप्त करने की शर्तें जो उपयुक्त होंगी वो चारों ही तीनों ही सही हैं। दोनों स्रोत कला संबंध भी होनी चाहिए, स्रोत एक वर्णीय होनी चाहिए, व्यक्तिकरण उत्पन्न कर रही तरंगों का आयाम समान होनी चाहिए, यानी इसमें आपका तीनों सही है। सो आपका आंसर टी विल बी राइट। देखिए ऐसे ऐसे आप पढ़िएगा तो आपका एक क्वेश्चन में चार आंसर, चार चार क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं आराम से। सो आंसर डी विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ध्रुवन कोण पर आपतित प्रकाश की परावर्तित एवं अपवर्तित किरण के बीच का कोण होगा। देखिए यहाँ पे कोण छूट गया है, यहाँ पे कोण होगा। ध्रुवन कोण पर आपतित प्रकाश की परावर्तित एवं अपवर्तित किरण के बीच का कोण होगा, उसका कोण होता है 90 डिग्री। इसको आप याद कर लीजिएगा। एक समांतर पट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक समांतर पट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है तब इसकी प्लेटों के बीच एक परावैद्युत गुट का प्रवेश किया जाता है, तो वह राशि जो परिवर्तित नहीं होती है। तो देखिए इसमें जो राशि परिवर्तित नहीं होगी इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, उसके बाद फिर देखिए कि मेरा आंसर सही है या कि गलत है। देखिए इसमें जो आंसर होगा वो ए होगा। ए इसलिए होगा क्योंकि जो आवेश होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, धारिता करता है, क्योंकि धारिता का प्रमाण होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे धारिता इस पे डिपेंड करता है, परावैद्युता गुट का डिपेंड करता है। जब कोई गुट का परावैद्युता गुट का अगर प्लेटों के बीच में लगा देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब जब धारिता और विभव में क्या होता है, विभव वी डैश बराबर वी बाई के होता है, यानी कोई भी माध्यम अगर हम लोग रखेंगे तो विभव वहाँ पे उसका कम हो जाता है, क्योंकि जो के है वी बाई एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर। यहाँ पे अगर कोई भी माध्यम रखा जाएगा तो इसका विभव भी कम हो जाता है। और ऊर्जा पे क्या डिपेंड करेगा, ऊर्जा को आप रिलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से, डब्ल्यू बराबर क्यू भी इस फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हैं, डब्ल्यू बराबर क्यू भी। अगर भी कम हो रहा है तो ऊर्जा में भी कुछ कमी होगी, जरूर होगी, आवेश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा ये भी फॉर्मूला था यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, अगर धारिता बढ़ेगी तो भी ऊर्जा का कमी होगा। सो आपका आंसर होगा आवेश, आवेश पे कोई डिपेंड नहीं पड़ता। सो आंसर ए विल बी राइट। निम्न में कौन सत्य है, बताना इसमें से कौन सत्य है, चार है आपका, चारों में से बताना है कौन सा सत्य है। नर्म लोहा यानी सॉफ्ट आयरन चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर यह प्रबल चुंबक बनाता है, बिल्कुल। स्टील चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह दुर्बल चुंबक बनाता है, ये भी सही है। नर्म लोहा अस्थायी चुंबक एवं स्टील अस्थायी चुंबक बनाता है, इसी में बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं। नर्म लोहा जो है अस्थायी चुंबक एवं स्टील अस्थायी चुंबक बनाता है, ये भी सही है। और इनमें से सभी यानी आपका तीनों का तीनों सही है, सो आपका डी विल बी राइट हो जाएगा। नर्म लोहा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह प्रबल चुंबक बनाता है, स्टील चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर यह दुर्बल चुंबक बनाता है, नर्म लोहा अस्थायी चुंबक एवं स्टील अस्थायी चुंबक बनाता है, यानी तीनों आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। ये तो पता होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक पारा चुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण में होती है वृद्धि होती है, कमी होती है, दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब एक पारा चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण में होती है वृद्धि, तो आपका आंसर ए विल बी राइट होगा। इन सब क्वेश्चन का आपको रखने पड़ेंगे। देखिए बी एच एवं म्यू में क्या संबंध है, ये म्यू है, बी एच एवं म्यू में क्या संबंध है, बी बराबर होता है आपको पता है बी बराबर म्यू बाई एच, सो आपका आंसर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है, प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण को कहा जाता है, प्रति एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका डी चुंबकन तीव्रता। जब चुंबकन तीव्रता का फॉर्मूला है होता है आई चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता को हम लोग आई से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, इसका होता है आई बराबर चुंबकीय आघूर्ण बटा चुंबकीय आघूर्ण अपन आयतन, इस आप याद कर लीजिएगा। आयतन को भी से डिनोट करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को एम से हम डिनोट करते हैं, एम बटा भी, यानी आई बराबर चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन। तो प्रति एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण प्रति एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण को कहा जाता है चुंबकन तीव्रता, तो आपका डी विल बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति उपकरण 1 घंटे तक कार्य करे तो कितनी ऊर्जा व्यय होती है, वह है 1 किलोवाट घंटा होगा या 3.6 × 10⁶ जूल होगा या 1 यूनिट होगा या इनमें से सभी। देखिए
एक ही यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति उपकरण 1 घंटे तक कार्य करे तो उसकी जो ऊर्जा व्यय होती है वो है 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा को अगर हम जूल में चेंज करेंगे तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल होगा, और इसी को हम लोग आम भाषा में 1 यूनिट बोलते हैं। तो आपका इसमें से तीनों सही है। देखिए 1 किलोवाट घंटा का आराम से जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, घंटा को आप देख सकते हैं 3600 मिनट 3600 सेकेंड लिखेंगे, और किलो को चेंज करेंगे 10³ होगा, आराम से चेंज करिएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल होगा, और यूनिट को आप लिख 1 यूनिट हो गया, और इनमें से आपका आंसर डी होगा। तीनों को याद रखिएगा, इसमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है या तीनों आ सकता है। हम लोग देखेंगे कि इतना होता है 1 किलोवाट घंटा होता है, आराम से ठीक करके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बी बी को ऑप्शन पढ़ना है और सी भी पढ़ना है, कि देखना है कि बी और सी में क्या दिया है। सेम तो नहीं दिया, इसको चेंज कर दिया, 1 किलोवाट घंटा को यहाँ पे जूल में कर दिया है, फिर जूल को यूनिट में चेंज कर दिया है। सो आपको इस सब ध्यान में रखना पड़ेगा, इन सबको आप याद कर लीजिएगा, और इस 1 किलोवाट घंटा को अपना चेंज करना सीख लीजिएगा। 3.6 इसको जूल में कैसे चेंज करते हैं, किलोवाट को आप चेंज कर दीजिएगा 3 × 10³ हो जाएगा, और घंटा को चेंज कीजिएगा इसका हो जाएगा, आपको बता दे रहे हैं 3600 हो जाएगा, इसका 3600 सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो 3600 सेकेंड हो जाएगा आपका। इसको आप अगर 3 36 × 10⁻⁶ यहाँ पे आपका होगा 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जब पॉइंट दे देंगे तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, आसान है, बहुत बहुत सरल तरीका है, आप आराम से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यानी हम लोग का इसका आंसर होगा डी, चारों आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 एम्पियर की धारा 1 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा होगी। 1 एम्पियर की धारा 1 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा होगी। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एच बराबर होता है I²RT। I²RT को जो हम लोग इसमें मान रखेंगे, आई का मान दिया है 1 एम्पियर, आर का मान दिया है 1, और टी का मान दिया 1 मिनट। मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60। सो आपका यहाँ पर हो जाएगा 60 जूल। सो आपका डी विल बी राइट होगा, आंसर डी करेक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अगर नाभिकीय प्रतिक्रिया में संरक्षण होता है, द्रव्यमान ऊर्जा एवं संवेग का विवर्तन व अपवर्तन द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव व विवर्तन द्वारा, तो आपका इसका आंसर होगा ए, द्रव्यमान ऊर्जा एवं संवेग का इसमें नाभिकीय प्रतिक्रिया संरक्षण में होता है, द्रव्यमान ऊर्जा एवं संवेग का आपका ए जो है वो सही है, आपका ए विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पड़ा है, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर कहा उसको कहा जाता है। देखिए ये आपका SSR AA में इस साल आया था, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर इसको कहा जाता है N टाइप, इसको N टाइप बोला जाता है। अगर हम तो इसका आंसर होगा ए, अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो उसे P टाइप बोलेंगे, तो अभी तो P टाइप नहीं बोलेंगे, अभी N टाइप ही आपका आंसर सही होगा, आपका आंसर होगा ए। लेकिन अगर त्रिसंयोजी पूछे कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर मतलब इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं पी टाइप। अगर पंच संयोजी मिलाएंगे तो एन टाइप, और त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो पी टाइप। सो आपका आंसर ए विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, लाइमर बामर व पाषाण श्रेणी वर्णक्रम क्रमशः होते हैं, कौन कौन लाइमर किस श्रेणी क्षेत्र में जाता है, बामर किस क्षेत्र में जाता है, और पाषाण किस क्षेत्र में जाता है, उसको क्रमशः बताना है, लाइमर बामर व पाषाण। तो देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर, क्योंकि ये इसका आंसर लगभग सारे स्टूडेंट्स को याद रहते हैं। लाइमर होता है पराबैंगनी में, और बामर जो होता है वो दृश्य में होता है, और पाषाण जो होता है वो रक्त क्षेत्र में होता है। तो आपका आंसर ए विल बी राइट, लाइमर जो होगा पराबैंगनी, बामर जो होगा वो दृश्य, और पाषाण श्रेणी जो होता है और रक्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। सो आपका ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ताप T1 व T2 के बीच एक आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा है, यानी एल है, यदि स्रोत एवं सिंक T1 और T2, यही स्रोत T1 स्रोत है और T2 सिंक है, यदि स्रोत एवं सिंक दोनों के ताप दुगुने कर दी जाए तब नई दक्षता होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दक्षता की फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि एन बराबर होता है दक्षता बराबर T1 - T2/T1, इसको दक्षता की फॉर्मूला होगा आपका। अब यहाँ पे हम लोग परसेंट में भी चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंट में नहीं दिखाया है, तो हम इसे 100 × नहीं करेंगे, यहाँ से 100 × नहीं करेंगे। तो दक्षता T1 - T2/T1। अब बोल रहा है कि अगर स्रोत एवं सिंक यानी T1 और T2 को दुगुना कर दी जाए तो नई दक्षता क्या होगी, यही स्रोत है और सिंक है, स्रोत एवं सिंक को जब हम लोग दुगुना कर देखते हैं क्या होता है, ईटा बराबर 2T1, T1 की जगह पर इसको दुगुना कर दिया -2T2, इसको भी दुगुना कर दिए, और नीचे जो T1 है इसको भी दुगुना कर दिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं
जब टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर टी वन माइनस टी टू बटा टी वन, ठीक है, यहाँ पे टू है, टू से टू हम काट देंगे तो यहाँ पर उसका आपका दक्षता उतना ही आ रहा है, यानी स्रोत एवं सिंक को दोनों को अगर दोगुना करेंगे तो उसकी दक्षता उतना ही होगी। तो आपका आंसर बी विल बी राइट। आप देख सकते हैं आपका आंसर जो बी होगा वो राइट होगा। सो आपका बी होगा राइट, क्योंकि यहाँ से दो कैंसिल हो गया, कॉमन निकाल काटती है, तो यहाँ पर आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। देखिए, दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच प्रतिरोध होगा। ये जो परिपथ आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसमें बताना है ए और बी के बीच प्रतिरोध। देखिए सबसे पहले कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये एक आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये व्हीट स्टोन सेतु की तरह कार्य करेगा। देखिए आप इसको जो ए और बी है इसको जब हम लोग पलटेंगे तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से, देखिए ऐसे हम लोग बना सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, ये सारा आर ओम है, सबका प्रतिरोध सेम है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पर आपका एम हो जाएगा। अब बताना है कि ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें बताना है, देखिए आर ओम होगा, टू आर ओम होगा, आर बाई टू ओम होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर जब व्हीट स्टोन सेतु की बैलेंस तब रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये चार चार जो प्रतिरोध है यहाँ पर, इसमें एक मिनट रुकिए, जब इसमें हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो इसका दोनों का अनुपात और इसका अनुपात सेम होना चाहिए। अगर दोनों का अनुपात सेम आ गया तो समझिए व्हीट स्टोन बैलेंस में, तो इसका कोई काम नहीं पड़ेगा, इसका कोई काम नहीं है, बीच वाला का कोई काम नहीं रहेगा। अगर बैलेंस रहेगा तो बीच वाला का कोई काम नहीं होगा। तो अगर फिर इसका देखेंगे कि फिर इसको हम लोग देख इसका निकालना है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध निकालना है तो इसका तो कोई काम नहीं है। अब देखिए अगर व्हीट स्टोन सेतु में चारों प्रतिरोध सेम हो और बैलेंस हो तो उसका प्रतिरोध उतना ही होता है कि जितना दिया रहता है उतना ही होगा। तो इसका आंसर होगा आपका आर ओम, आर ओम ही होगा। सो आपका ए विल बी राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर व्हीट स्टोन सेतु दिया रहे और व्हीट स्टोन सेतु बैलेंस रहे और सबका प्रतिरोध सेम हो तो आप आराम से इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर चारों प्रतिरोध सेम हो तो इसका आंसर भी वही होगा कि जितना प्रतिरोध दिया रहेगा उतना ही होगा। ऐसे आप फाइंड भी कर सकते हैं। देखिए दो श्रेणी में हो जाता है, दो को श्रेणी में करते हैं, दो को श्रेणी में करेंगे उसके बाद दोनों पैरेलल हो जाते हैं, उसको भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसको याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर व्हीट स्टोन सेतु है चारों मतलब जितना प्रतिरोध दिया वो समान दिया है, अगर वो बैलेंस में है तो सीधा उसका आंसर होगा जितना दिया रहेगा उतना ही। तो आपका आंसर होगा ए, ए होगा यानी आर ओम। इसको आप घर पे बैठकर एक बार सोल्यूशन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में 7200 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की कांच में तरंग दैर्ध्य होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSRAA में आया था, इस बार दो क्वेश्चन पूछा था, दोनों आपका क्वेश्चन इसमें दो न्यूमेरिकल पूछा था, दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको बता दिए। वायु में 7200 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की कांच में तरंग दैर्ध्य होगा। तो देखिए म्यू बराबर, इसका भी वैसा ही फॉर्मूला था, म्यू बराबर होगा लेमडा इन एयर यानी हवा में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, लेमडा मीडियम यानी माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेमडा मीडियम में निकालना है, मीडियम में निकालना है तो ऊपर हो जाएगा आपका एयर में दिया है 7200 एंगस्ट्रॉम, 7200 आपका स्ट्रॉम दिया है और नीचे दिया है आपका अपवर्तनांक दिया है 1.5। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, 1.5 को आप इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हम लोग का 7200, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, 15 से हम लोग डिवाइड देंगे, 15 से जब डिवाइड देंगे इसको काटेंगे 52 15 15 यहाँ पर 4 से इसे काटेंगे 15 4 60, तो देखिए 54 60 हो जाएगा, 15 से इसको काटेंगे 54 60 और देखिए 60 काटेंगे तो बचा हम लोग कितना 120, 15 8 120 यहाँ पे आपका हो गया 15 8 120, यहाँ पे 10 और 10 यानी आपका 4800 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसमें से आपका आंसर कोई नहीं है, इसका आंसर आएगा 4800 एंगस्ट्रॉम। आप इसे आराम से देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा, 4800 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आएगा। सो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आप इसे आराम से फाइंड कर लीजिएगा। 15 से हम लोग काटें, 15 4 60, 15 8 120, उसके बाद यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पे 10 बचा, तो दोनों को रख दिए तो यहाँ पे 4800 एंगस्ट्रॉम आ गया। सो आपका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समतापीय प्रक्रम में, समतापीय प्रक्रम में ऊष्मा गति की
समतापीय प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय चार्ल्स नियम का पालन करती है। बी नंबर टूडोस प्रक्रम में गैस पॉइजन के नियम का पालन करती है, पॉइजन के नियम का पालन करती है। कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत एवं सिंक के तापों पर निर्भर करता है, बिल्कुल करते हैं। हम लोग पीछे अभी क्वेश्चन देखे हैं कि क्या अगर दोगुना कर दिया है तो प्रभाव तो जरूर पड़ता है, और इनमें से सभी सत्य हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इनमें से सभी सत्य हैं, सत्य हैं। देखिए यहाँ पे जब समतापी प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय चार्ल्स का नियम का पालन करती है, भी सही है। बी है रुदोष प्रक्रम में गैस पॉइजन के नियम का पालन करती है, भी सही है। कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत एवं सिंक के तापों पर निर्भर करती है, भी सही है। आपका अपना डी नंबर होगा, यानी इसमें से सारे सही हैं। सो आपका 23 का हो गया डी नंबर आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आपको चार चार क्वेश्चन आंसर करने को मिल रहे हैं, आपको एक नहीं यहाँ पे एक चार चार क्वेश्चन आंसर तैयार हो रहे हैं। सो आप इस वीडियो को देखिए और तैयारी अच्छे से कीजिए, आप एग्जाम में आए तो आराम से टिक कर लेंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है और हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं पढ़ने में कि मतलब इसमें से कौन सा आंसर चाहिए। चारों के चारों करीब ही देगा, ऐसा देगा कि यही होगा यह होगा, लेकिन इसमें से ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही याद करना है कि याद करके जाना है, समझ कर जाना है कि वहाँ पर आए तो आराम से टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, एक आदमी है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, 5 मीटर ऊंचाई के भवन के शिखर तक चढ़ता है तो किया गया कार्य होगा। यहाँ पे जी का मान होगा जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस पे आदमी पर आरोपित दाब निकालेंगे, आरोपित दाब निकालेंगे, बल निकालेंगे इसका, आरोपित बल, सॉरी दाब नहीं, आरोपित आरोपित हम लोग बल निकालेंगे इसका, आरोपित बल निकालेंगे तो 5 किलोग्राम, एफ बराबर एम जी होता है, एम जी है 5 और जी हो गया 10, हम लोग का ये होगा 50 न्यूटन। आरोपित बल हम लोग निकाल दिया, उस पर आदमी पर कितना आरोपित बल है, क्योंकि कार्य के लिए होता है कार्य निकालना है तो बल गुणे विस्थापन होना चाहिए, तो बल हम लोग निकाल दिए 50, यहाँ पे 50 आ गया। हम लोग कार्य निकालेंगे, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, 50 बल हो ही गया 50 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और 5 मीटर ऊंचाई के, 5 मीटर ऊंचाई के भवन किसी घर तक चढ़ता है तो 5 मीटर ऊंचाई के भवन की शिखर तक पहुंचता है तो इसका एस हो गया 5, तभी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 इसका जूल होगा आंसर। आप इधर आराम से फाइंड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा टॉप क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया है। न्यूमेरिकल में ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एक देगा एक नहीं देगा, किसी का सीजीएस मात्रक पूछ लेता है, देगा ऐसा ही मात्रक में पूछेगा सीजीएस मात्रक में, ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ज़्यादा टॉप नहीं देता है क्वेश्चन। आप इसे आराम से फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले इसका आरोपित बल निकालेंगे, आरोपित बल निकालने के बाद डब्ल्यू बराबर एफ एस लगाकर इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसका आ जाएगा 250 जूल। सो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्लांक नियतांक की बीमा होगी, प्लांक नियतांक की बीमा आपको बताना है। तो प्लांक का ऐसा ही मात्रक होता है जूल सेकेंड, जूल का आपको पता होगा जूल का होता है ml स्क्वायर टी पर माइनस 2 और सेकेंड का हो गया टी, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ml स्क्वायर टी पर माइनस 1, तो देखेंगे इस पर ml स्क्वायर टी पर माइनस 1 कौन है, तो आपका आंसर है ए, जूल का हो गया ml स्क्वायर टी पर माइनस 2 और सेकेंड का हो गया टी पर माइनस 1। देखिए कुछ कुछ ऐसे हैं जिसे आपको उसका बीमा याद करना पड़ेगा, जैसे बल्क का हो गया ml टी माइनस 2, वेग का हो गया ल टी माइनस 1। मान लीजिए अगर प्रेरकत्व बोल देते 12 - 22 होता है उसका MLTA लिख गया, देखिए अगर प्रेरकत्व का पूछ देगा था MLTA प्रेरकत्व का पूछ दिया, 100 प्रेरकत्व का पूछ दिया तो 12 - 22 हो जाएगा, ऐसे याद कीजिएगा। रेजिस्टेंस का पूछ दिया तो 12 - 32 होता है, विभव का पूछ दिया 12 - 31 होता है, आप ऐसे ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए, जिससे आपका एग्जाम बहुत जल्दी होगा। अगर मई जून जून जुलाई में आपका, या तो जून लास्ट में होगा या जुलाई फर्स्ट में होगा, अब जब हो आपको तो तैयारी करना ही पड़ेगा, नहीं तैयारी कीजिएगा तो आप भूल जाएगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।